हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज सीरीज चल रही है, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4 हम कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आज हम जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज हमारी 5 है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब इसके अंदर देखिए, ये एक्सरसाइज 5 है और हमें करना क्या है इसके अंदर कि रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू जो सेंटेंस दिए गए हैं और इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये कुछ मतलब ऐसे समझो कि वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग, इनको हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर क्या करना है, रीअरेंज करके राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब इसके अंदर देखिए कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बार देखो, कुछ चीजें होती है एक सेंटेंस को, एक मीनिंगफुल सेंटेंस को अरेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल पैटर्न है एक सेंटेंस का। एक बार देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सब्जेक्ट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे वो क्या है मतलब जो सब्जेक्ट विस्तृत हो जाता है जी, ठीक है। तो इसके कुछ कॉम्प्लीमेंट इसके साथ भी होता है, कुछ चीजें इसके साथ भी ऐड होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको कैसे रीअरेंज करेंगे। तो इसके अंदर जोन क्या है, जोन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हमेशा ही वर्ब आती है। अब यहाँ पर देखना है कि वर्ब देखते हैं कौन सी है, कि हैज रिटर्न ये भी वर्ब है और लेंट ये दो वर्ब है। तो हमने देखनी है कि कौन सी हमने यहाँ पर यूज करेंगे। तो जॉन लेंट द बुक, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बुक भी है और यहाँ ऑब्जेक्ट हिम भी है। तो जॉन लेंट द बुक या लेंट हिम, तो ये ऐसे सही नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जॉन हैज रिटर्न, ये वर्ब ऐसे इसके अकॉर्डिंग ये सही है कि जॉन हैज रिटर्न, क्या रिटर्न की है, द बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। बुक कौन सी, विच, विच यू जो तुमने क्या की थी, लेंट हिम जो तुमने उसे दी थी। तो यहाँ पर जॉन के साथ में जॉन का हमने या सब्जेक्ट के रूप में यूज करके ऐसे हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करके एक सेंटेंस है जो जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है वो हमें बनाना है, ठीक है। वो हम बना चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही क्या करना है, जो सेकंड हमारा जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको रीअरेंज करेंगे। देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले चेक करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर द डॉग भी एक क्या दिया गया है, सब्जेक्ट लग रहा है, ही भी एक सब्जेक्ट लग रहा है। कैसे यूज करेंगे देखते हैं कि ही फॉलोड यहाँ पर जो वर्ब है और वेंट भी वर्ब है। तो ही वेंट हिज मास्टर या फिर द डॉग, ऐसे बनाएंगे हम इसको कि द डॉग फॉलोड हिज मास्टर, किसको फॉलो करता है, जो डॉग है अपने मास्टर को। इसके बाद में वेयर एवर, कब, ही वेंट जब वो, वेयर एवर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर कंजक्शन का यूज हो रहा है, यहाँ पर कौन से कंजक्शन का, विच का यूज हुआ था, ठीक है, ही वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके क्या करना है, इसको सेंटेंस को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बनाया है। यहाँ पर ऐसे ही हमने क्या करना है, ये सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। तो ये दो सेंटेंस थे हमारे यहाँ, एक्सरसाइज 2 दिए गए हैं 5 के अंदर, तो ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट के अंदर देखिए, नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको जो करवाई है ये जो फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस था उसको अरेंज करके सही तरीके से यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस राइट कर दिया है। तो ये आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, आफ्टर दैट ये आंसर आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि नेक्स्ट ये है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं थर्ड के अंदर, तो इनको भी हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो अब इसके अंदर द चिल्ड्रन और
चिल्ड्रन दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को कैसे इसको अरेंज करना है, इतना ही काम है इसके अंदर। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दे दिए, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में हमने वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब यहाँ पर दी गई हैव गोन, गए हैं किसके लिए, फॉर अ हॉलीडे। ठीक है, ऐसे हमने इसका एक सेंटेंस बना, किसके साथ में गए हैं, विद देयर पेरेंट्स। तो अब यहाँ पर हमने क्या सीखना है, इनके अंदर हमें ये इसलिए बना रहे हैं ये सेंटेंस, जैसे देयर है यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, इनका यूज हमें यहाँ पर करना सीखना है कि कैसे हमने यहाँ करना है, ठीक है। और रीअरेंज करके हमने देयर का यूज करना कहाँ सीखा है ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर शी का यूज हुआ है, हर मिसप्लेस्ड हैज हैंडबैग, तब शी सब्जेक्ट आएगा, ये हमें पता लग गया, और ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। या पजेसिव केस के अंदर हम देखा है कि ये पजेसिव केस भी होता है, और एक ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम अपने इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा, कि शी सब्जेक्ट हो गया, हैज यहाँ पर वर्ब है, इसके बाद में हमने क्या करना है, वर्ब का यूज करना है इसका, मिसप्लेस्ड हर हैंडबैग, ऐसे करके हमने क्या करना है, यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया है कि शी हैज मिसप्लेस्ड हर हैंडबैग। तो हर किसके लिए आया है, यहाँ पर शी के लिए हमने क्या, किसका यूज किया है, हर का यूज किया। ऐसे हमने क्या करना है, ये प्रोनाउन का यूज करना हमने सीखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है कि कैसे हमें रीअरेंज करके जो प्रोनाउन है उनका यूज हम कहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि नेक्स्ट इसके अंदर मैंने इसके आंसर जो राइट कर दिए हैं, जो हमें थर्ड और फोर्थ जो की है ना सेंटेंस उसके, तो ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक्सरसाइज करके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखिए, ये लास्ट है हमारी इस एक्सरसाइज की, फिफ्थ। तो इसके अंदर देखिए कि दीज गर्ल्स दे आर फॉन्ड ऑफ डॉग्स वेरी आर। अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि दीज गर्ल्स क्या है, ये हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो दीज गर्ल्स और दीज गर्ल्स है, तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो है प्लूरल है, तो वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे, तो आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर डॉग्स। तो डॉग्स, ये हमारा ऐसे सेंटेंस बन गया, रीअरेंज करके हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बन चुका है हमारा। तो दीज गर्ल्स की जगह हमने क्या किया है, देयर का यूज किया है एक प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सही तरह से राइट कर दिया है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस ये ऐसे करने है, आपको खुद बना के यहाँ पर देखने हैं, उसके बाद में ये आंसर आपने चेक करने हैं कि मेरा राइट कहाँ राइट है या रॉन्ग है, और सही कैसे, गलती है तो मिस्टेक कहाँ पर हुई है, तो वो क्यों हुई है। तो ये ऐसे करके आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात तो है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी, कोई भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक है वो ढंग से नहीं कर पाए। एक बार वो याद रहेगा थोड़ी दिनों के लिए, फिर आप भूल जाओगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।